हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिजनौर में 6 महीने पहले हुए डबल मर्डर मामले में दिल्ली में सरेंडर हुए आरोपी की उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। जब हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहनवाज अंसारी को बिजनौर सीजीएम कोर्ट लाया गया, हमलावरों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कोर्ट लाए गए शाहनवाज की गोली लगने से मौत हो गई। जबकि इस दौरान गोली लगने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मृतक शाहनवाज पर प्रॉपर्टी डीलर एहसान समेत 2 लोगों को गोली मारकर हत्या का आरोप था। शाहनवाज ने दिल्ली में जाकर सरेंडर किया था। शाहनवाज को आज बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाया गया था और इसी दौरान हमलावरों ने कोर्ट परिसर में ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी। शाहनवाज की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जनपद बिजनौर में करीब 6 माह पहले थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था एहसान खान और उसके भांजे का। उस अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त शाहनवाज अंसारी दिल्ली में सरेंडर किया था, आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। दिल्ली पुलिस के साथ उसको आज यहाँ सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ पेशी के दौरान एहसान खान के पुत्र ने अपने 2 साथियों के साथ कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार दी है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में, उनका इलाज करवाया जा रहा है। 3 अभियुक्तों को मौके से पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, चेस करके पकड़ लिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। सीजीएम साहब के ऑफिस में ये गोली चली कोर्ट परिसर के अंदर। ये जो दूसरा बदमाश था उसके साथ में शाहनवाज के दानिश, क्या उसके भी गोलियां लगी हैं? अब वो चीज ही, ये सारी जो सूचनाएं हैं इनको पुष्टि करवाई जा रही है, जैसे ही पुष्ट हो जाएगी वो आपको बताएंगे। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इसमें? अभी इसमें एक कोर्ट मोहर्रर को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, एक अन्य पुलिसकर्मी जिसको थोड़ा छर्रा लगा है उसको भी इलाज करवाया जा रहा है। कुछ पता चल पाया कितने राउंड फायरिंग हुई है? 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ करी जा रही है, कुछ और निकल के आएगा वो बताया जाएगा। पुलिस अधिकारियों की ओर से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।